हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम के। इसमें सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में फाइनली बात करने वाले हैं आप अपने ओप्पो A53 के फ़ोन में जो थीम को चेंज कैसे करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे थीम स्टोर है, मैं इस थीम स्टोर से चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थीम दिख रही होंगी जो कि पेड थीम, बट गाइस मैंने क्या ट्रिक यूज़ की है जो कि फ्री सब कुछ दिखा रहा है। तो गाइस मैं दो चार ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, दो चार थीम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लगभग आपको सब थीम जो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मैंने क्या ट्रिक यूज़ की है इस वीडियो में बने रहना, मैं एंड तक बताऊँगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये ओप्पो का आईफोन है। इसमें मैं आप लोगों को कोई फेक वीडियो के बारे में नहीं बता रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये ओप्पो का फ़ोन है। एंड गाइस मैंने जो सेटिंग को भी हटा दिया है जिसमें फ्री दिखा रहा है, तो मैं आप लोगों को थीम स्टोर में जाके दिखा दे रहा हूँ अभी के लिए जो पैड दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ पैड दिखा रहा है। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें कौन सी सेटिंग मैं यूज़ करता हूँ, ये सब जो है बिल्कुल भी फ्री हो जाएंगे। तो सिंपली आपको थीम स्टोर यहाँ पे मैंने ओपन किया, तो यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से भी इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक गाइस। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है अपने सेटिंग में। तो चलिए हम यहाँ से सेटिंग में जानते हैं। एंड गाइस सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन के ऑप्शन पर जाना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर दे रहे हैं। तो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा रीजन का ऑप्शन सबसे ऊपर, तो इसको हम इंडिया सिलेक्ट है तो इस पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसको हमें करना है यूनाइटेड किंगडम पे, तो यूनाइटेड किंगडम पे हम जो है सेट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एंड गाइस ये जो है यूनाइटेड किंगडम सेट हो गया, तो हम सिंपली बैक आ जा रहे हैं। एंड गाइस बैक आने के बाद आपको जाना होम स्क्रीन पर, और यहाँ से जो है इस सेटिंग को भी यहाँ से कट कर देना है मेनू में जाके, ठीक। तो हम मेनू में जाते हैं और यहाँ से इसको जो है कट कर दे रहे हैं। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली जो है थीम स्टोर को ओपन करना है। चलिए हम यहाँ से थीम स्टोर को ओपन कर लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। एंड गाइस थीम स्टोर को ओपन कर लेते हैं, तो ऐड दिखा रहे हैं, ऐड को हम जो है स्किप कर देंगे। इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी तक जो है थीम चेंज नहीं हुआ है, मतलब इसमें पैड दिखा रहा है, ठीक। इसके बाद हम जो फिर अपने होम स्क्रीन पर जाएंगे और जो है इसे जो है यहाँ से कट कर देंगे, ठीक। होम स्क्रीन पर गए, यहाँ से इसको कट कर दिए। एंड गाइस फिर इसे हम जो है दोबारा ओपन करेंगे, तो चलिए हम यहाँ से दोबारा ओपन करते हैं, थीम स्टोर पर क्लिक करते हैं। एंड गाइस दोबारा ओपन पर करने पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी जो थीम यहाँ पे आपको फ्री में दिख रही होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं होम पे गया और थीम स्टोर को यहाँ से ओपन किया। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सभी थीमें जो है बिल्कुल भी आप लोगों को फ्री में दिख रही हैं। तो कोई भी थीम आप यहां से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोई भी अप्लाई करके भी दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे अप्लाई करके आपने नहीं दिखाया। तो चलिए मैं यहां से कोई भी थीम जो अप्लाई करके दिखा रहा हूं, सिंपली इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक। एंड गाइस थीम जो है ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन हमें मिल जाता है, सिंपली अप्लाई के ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। ये जो डाउनलोडिंग हो रहा है, इसके बाद देख सकते हैं इंस्टॉलिंग भी होने लगा। तो इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिल जा रहा है सेट होम स्क्रीन का, ठीक। सिंपली सेट होम के स्क्रीन के ऑप्शन पर हमें जो है क्लिक करना, चलिए हम क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक गाइस। इसके बाद देख सकते हैं ये अप्लाई भी हो रहा है। एंड गाइस देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है, अब सिंपली हम जो है होम स्क्रीन पर अपने जाते हैं। यहाँ से होम स्क्रीन पर आए तो देख सकते हैं अभी के लिए एक सेकंड का वेट करना, फिर देख सकते हैं आप लोगों के यहाँ पे थीम जो लाइव जो मैंने आप लोगों को चेंज करके दिखाया ओप्पो A53 के फ़ोन में। तो गाइस इस तरीके से आप जो ओप्पो के फ़ोन में जो है थीम को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस अगर हमारी वीडियो यार पसंद आई, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन एक ऐसी धमाल मचाने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।